हेलो बच्चों एग्जाम्पलर सीरीज में आज हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के क्वेश्चन करेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस कौन सा स्टेटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए सही नहीं है तो पहले क्लियर करिए ऑस्मोसिस क्या है डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एलोंग दी ग्रेडियंट पैसिव प्रोसेस स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ वाटर और अगर रिवर्स ऑसमोसिस की बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा और ख़ास बात ये होगी कि एक्टिव प्रोसेस होगा और इसके थ्रू हम वाटर का प्योरीफिकेशन भी करते हैं रिवर्स ऑसमोसिस से तो इन बातों को ध्यान रखते हुए ऑप्शन आप पढ़िए इट इज़ यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन बिल्कुल सही बात है इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड टू द सिस्टम हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर जब अप्लाई किया जाएगा तभी जो वाटर के अंदर की गंदगी है तभी वो अपोजिट uh, साइड या एक्रॉस एक मेम्ब्रेन हटेगी ख़त्म होगी इसीलिए ये रिवर्स में बोला जा रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस बोल रहे हैं और थर्ड ऑप्शन इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस बिल्कुल गलत बात है पैसिव नहीं है क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो होती है पैसिव इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस हाँ बिल्कुल सही है अगेंस्ट ग्रेडियंट होती है एनर्जी कंज्यूम होती है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन इट इज़ ए पैसि प्रोसेस ओके क्योंकि ये रिवर्स ऑस्मोसिस पे अप्लाई नहीं होता सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन को कौन डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करता है जैसे टेम्परेचर ऑब्वियस ही सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा लाइट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपरेशन रेट ज़्यादा होगी ये भी करेगा विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो ट्रांसपरेशन की रेट ज़्यादा होगी क्योंकि जो एयर है वो मूव करा ले जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स को सरफेस से तो ग्रेडियंट बना रहेगा तीनों ऑप्शन सही हैं जबकि फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स ये ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता ट्रांसपरेशन को और क्लोरोफिल कम है ज़्यादा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थर्ड क्वेश्चन है द लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन ए मतलब लीफ की जो लोअर सरफेस है उसमें ज़्यादा स्टोमेटा किस टाइप की लीफ में होते हैं आप जानते हैं दो तरह की लीफ होती है मोनोकॉट डाईकॉट और मोनोकॉट को इक्वी लीफ भी बोलते हैं और आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं डाईकॉट को बाईफेशियल लीफ या डॉर्सीवेंट्रल लीफ भी बोलते हैं और लोअर सरफेस को अबेक्सियल सरफेस बोलते हैं और अपर सरफेस को अडेक्सियल सरफेस चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि ये सवाल ये है कि लोअर सरफेस पे स्टोमेटा किस लीफ में ज्यादा होते हैं अगर मोनोकॉट लीफ होगी आइसोबाइलेट्रल होगी इक्विफेशियल होगी तो दोनों तरफ अपर और लोअर दोनों पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाएंगे जबकि वेंट्रल डाईकॉट या बाईफेशियल लीफ की लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं तो बोथ एंड बी नहीं हो ही नहीं सकता नन ऑफ दी अब गलत है तो फर्स्ट ऑप्शन डॉर्सी वेंट्रल लीफ डाइकॉट लीफ या बाई लीफ की लोअर सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है तो थर्ड ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन डॉर्सी वेंट्रल लीफ सही है फोर्थ क्वेश्चन द फॉर्म ऑफ सुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोयम इज बहुत आसान है कि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट ग्लूकोज बनाता है और उसे जगह जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुक्रोज में बन ऐ, कन्वर्ट करता है सुक्रोज के फॉर्म में जाता है और जो यूज़ करने के बाद भी बच जाता है उसे प्लांट एज ए स्टोरेज वो स्टार्च के फॉर्म में करता है तो क्या ग्लूकोज के फॉर्म में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट शुगर का करता है नहीं फ्रक्टोज के फॉर्म में नहीं राइबोज के फॉर्म में नहीं सुक्रोज़ के फॉर्म में हाँ तो फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है सुक्रोज नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस गटेशन है क्या ये पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से होती है लॉस ऑफ वाटर इन ड्रॉपलेट्स फॉर्म फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव्स और ये जब रूट प्रेशर ज़्यादा हो और ट्रांसपेरेशन रेट जो है वो लो हो तब होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन पहला जो दिया है वो है वेन रूट प्रेशर ज़्यादा हो ट्रांसपेरेशन रेट कम हो रूट प्रेशर कम हो और ट्रांसपेरेशन रेट ज़्यादा हो ये तो गलत हो गया रूट प्रेशर ट्रांसपेरेशन रेट बराबर हो ये भी गलत हो गया रूट प्रेशर और ट्रांसपेरेशन दोनों हाई हो ये भी गलत हो गया तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है जब रूट प्रेशर ज़्यादा होगा और ट्रांसप्रेशन की रेट कम होगी तब प्रोसेस ऑफ गटेशन होता है तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्बाइबिशन पहले तो इम्बाइबिशन क्या है स्पेशल डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड या एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स आर कोलाइड्स ये है डेफिनेशन इम्बाइबिशन मतलब जब सॉलिड सरफेस पर जब कोई लिक्विड एबजॉर्ब होता है ट इज़ कॉल्ड द इम्बाइबिशन तो आप बताइए पहला ऑप्शन अब टेक ऑफ वाटर बाई रूट हेयर तो आप जानते हैं रूट हेयर वाटर का एब्जॉर्बशन करता है एबजॉर्प्शन नहीं और बी ऑप्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन इस्टोमेटा ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है यह भी नहीं है और सी ऑप्शन है स्वेलिंग ऑफ सीड वैन पुट इन स्वायल दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन और यही सही आंसर है डी ऑप्शन हो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ये ड्यू टू तो चेंज इन द इमीडिएट टर्गर प्रेशर होता है तो सिक्स क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है बट इम्बाइबिशन के दो एग्जाम्पल और ध्यान रखिए एक तो सीडलिंग ग्रोथ दिया ही हुआ है एक है स्प्लिटिंग रॉक्स और बॉल्डर्स बाई प्रीहिस्टोरिक मैन ये भी एनसीआरटी में लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन वेन ए प्लांट अंडर सेनेसेंस द न्यूट्रियट मे बी तो ये एन की लाइन है इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो ये ध्यान रखिए जब कोई प्लांट सेनेसेंस में जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं भेजे जाते हैं या निर्यात किए जाते हैं नहीं या फिर बी ऑप्शन है विथड्रॉन किए जाते हैं खींच लिए जाते हैं हाँ यंगर पार्ट्स में खींच लिए जाते हैं ये बिल्कुल सही ऑप्शन है विथड्रॉन खींच लिए जाते हैं भेजा नहीं जाता है मतलब जो सेनेसेंट पार्ट है वो भेजता नहीं है बल्कि यंगर पार्ट खींच लिया जाता है इससे खींच लिया जाता है सी ट्रांसलोकेटेड लोकेटेड फ, ये वर्ड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है इसलिए ट्रांसलोकेटेड भी नहीं नन ऑफ दब नहीं तो सातवें नंबर सवाल का सही आंसर है बी ऑप्शन विथड्रॉन एटथ क्वेश्चन पे आते हैं वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू ये बेहद आसान है एन में भी आपको याद भी होगा तो वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का होता है वो मैक्सिमम होता है वो जीरो होता है मतलब किसी भी सल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हमेशा प्योर वाटर से कम होगा और वो कम भी निगेटिव में होगा क्योंकि मैक्सिमम कौन है जीरो और वो किसका है प्योर वाटर का तो एट्स क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन जीरो नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट सिस्टम विच हेल्प्स इन तो अब आपको बताना है कि माइकोराइज़ा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स का तो आप बताएंगे ये सिम्बायोटिक का मतलब साथ रहना म्यूचुअलिज्म भी है प्लस प्लस दोनों को बेनिफिट भी है तो अब आप बताइए कि जो ये एसोसिएशन फंगस का होता है रूट सिस्टम के साथ वो किस में मदद करता है मतलब माइकोराइज़ा का मेन काम आप क्या बताएंगे एक एब्जॉर्बन ऑफ वाटर मिनरल न्यूट्रिशन ट्रांसलोकेशन गैसियस एक्सचेंज देखिए गैसियस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं ये करता है ट्रांसलोकेशन बिल्कुल भी नहीं करता है दो ऑप्शन है एक है एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर हाँ ये बात सही है मिनरल न्यूट्रिशन हाँ ये बात भी सही है लेकिन वाटर मेनली और उसके साथ ही मिनरल चला जाता है तो याद रखिए फंजाई जो है वो वाटर का एब्जॉर्ब करता है और उस वाटर में मिनरल आ जाता है इसलिए यहां पे दोनों ऑप्शन सही है ऑफ वाटर मिनरल न्यूट्रिशन ये दोनों ऑप्शन सही हैं लेकिन मोर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो मेन ऑफ वाटर क्योंकि उसके साथ ही मिनरल आता है तो आप कहेंगे जब दोनों ऑप्शन सही हैं तो अगर हमें चॉइस करना है तो बिल्कुल दोनों राइट हैं और ऑप्शन नीचे दिए गए हैं ओनली ए ओनली बी बोथ ए एंड बी बोथ बी एंड सी तो ए भी सही है एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर मेनली यही होता है उसके साथ मिनरल का भी होता है तो बी भी सही है तो बोथ ए एंड बी नाइन्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं बेस्ड ऑन एक फिगर दिया गया है और बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है मतलब आपको गलत छांटना है तो उस फिगर में एनसीईआरटी का ये फिगर है ए और बी ए में सॉल्यूट कम है बी में सॉल्यूट ज़्यादा है तो ए में वाटर ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा बी में वाटर कम है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा और आप जानते हैं वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल होता है तो इसके बारे में हम लोग ऑप्शन एक एक पढ़ेंगे बच्चों पहला ऑप्शन दिया गया है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बिल टेक्स प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी सॉल्वेंट कौन है वाटर जिधर ज़्यादा होगा उधर से लेके जिधर कम होगा मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा आप बताओ ए में सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा है बी में सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्वेंट कम है तो हमेशा सॉल्वेंट हाई टू लो मूव करेगा तो आप बताओ ए से बी जाएगा बिल्कुल सही है ये बात लेकिन सवाल ने गलत को पूछा है आइए सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मार करिए सोल्यूट बिल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी क्या कभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सोल्यूट ए क्रॉस कर सकता है क्या इम्पॉसिबल है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कभी नहीं कर सकता है तो इसका सही आंसर तो बी है जो स्टेटमेंट इस फिगर के हिसाब से गलत है सी ऑप्शन क्या है प्रजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ ए प्री रिक्विसाइट फॉर दिस प्रोसेस टू अगर हाँ बिल्कुल सही बात है ऑस्मोसिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमिएबल मेमब्रेन आप सब जानते हैं सही है द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हंड्रेड परसेंट बिल्कुल एब्सोल्यूटली राइट ऑप्शन है तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर दस है उसका सही विकल्प जो सही है वो है बी ऑप्शन और सवाल के हिसाब से वो स्टेटमेंट फिगर के लिए गलत है 11 नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे मैज द कॉलम है बहुत आसान है सिंपली आप मिला सकते हैं बट इसके जो ऑप्शंस हैं वो पुरानी एग्जाम्पलर एन में गलत हैं उनमें से कोई ए बी सी डी में से कोई सही नहीं लेकिन अच्छा है लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा यह है कि हम आप मिला लेते हैं जो सही है चलिए लीफ को आप मिला सकते हैं किसे ट्रांसपेरेशन से सीड को एम्बाइविशन से रूट को एब्जॉर्बेशन से स्प्रीन याद रखिएगा ये एंटी ट्रांसपेरेंट होता है और प्लाज्मोलाइज्ड सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल निगेटिव होता है तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ सी का फिफ्थ डी का वन ई e का थर्ड तो ये सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन कोई है नहीं बट आप मैच द कॉलम आराम से कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसमें इलेवन ही लिखा गया है गलती से मिसप्रिंट है बट सवाल नंबर बारह है मिसमैच पेयर आपको छांटना है कि कौन सा इनमें से गलत मैच कर रहा है आइए एमाइलो प्लास्ट के बारे में कह रहे हैं कि स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल तो यही गलत है क्योंकि ये तो स्टार्च को रखता है तो इसका मिसमैच पेयर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा और ए ऑप्शन ही इसका मिसमैचिंग है जबकि बाकी पढ़ लेते हैं इलायोप्लास्ट स्टोर आयल्स हैं और फैट्स बिल्कुल सही क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट सही क्रोमोप्लाइन प्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स अदर दैन क्लोरोफिल सही ल्यूकोप्लास्ट कंटेन्स कलरलेस पिगमेंट्स बिल्कुल सही है तो ये रहे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के एग्जाम्पलर के 12 सवाल जो बेहद कंसेप्चुअल हैं एन बेस्ड हैं तो इनको आप अच्छे से करिए ध्यान से पेन पेपर लेके बैठिए जो ना समझ में आए वो आप डाउट के तौर पे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं ओके थैंक यू गॉड ब्लेस यू बच्चों